इराक की राजधानी बगदाद में एक फुटबॉल मैदान के पास गैस टैंकर में हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 अन्य घायल हो गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट के बाद टैंकर के टुकड़े आसपास की रहायशी इमारतों फुटबॉल मैदान में जा गिरे हैं।